तो बड़ी खुशियाँ मनाते बच्चा दसवीं पास हो गया आजकल तो नहीं मना दसवीं पास की पहले बहुत बड़ी बात होती थी टेंथी पास हो गया तो लोग बड़ा प्रोग्राम रखते थे पूरा शहर आता था ठीक है अगर बच्चों की तरगीब के लिए कोई प्रोग्राम आप रखते हैं कि दूसरा बच्चा देख के मोटिवेट हो उस प्रोग्राम से तो ठीक है शरीयत के दायरे में फजूल खर्ची ना करते हुए हरामकारी ना करते हुए दिखावा या ना करते ठीक है लेकिन हमारे पास मामला है कि मैं अपनी खुशी इसलिए मना रहा हूँ कि दूसरों को बताओ मैं किस लेवल पर आ गया मेरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो करो दावत ताकि मोटिवेट हो जो लोग नहीं मोटिवेट करना मकसद ही नहीं उनको जलील करना मकसद होता है तौफ़े तो लाए क्या तहैफ लाए क्या अब मेरा स्टेटस ये हो गया फला ये हो गया लोग बोल रहे तुम तो वो बच्चे के बाप है जो बच्चा वो है और ऐसा है ये सब बड़ा चल रही सब शे चिल्ली वाली हरकतें ये बहरहाल चल रहा है तो बच्चे के पास होने पर ख़ुशी अदा ये कीजिए बच्चा तालीम हासिल कर रहा है ना जाहल मंद बनाइए उसको ये जहालत की चीज़ें उसको ये कहिए कि अल्लाह ने तुमको एक कामयाबी दी बेटा तुम एक इम्तिहान में कामयाब हुए हो लेकिन याद रखो आजिज़ इनकी सारी कभी मत छोड़ना लोगों को सिर्फ़ रैंक के बदले में परसेंटेज के बेसिस पे कभी मत मापना ठीक है और जो अल्लाह ने कामयाबी दी इसको बाकी रखने का राज ये कि और आजीज़ बन जाना तो अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और ये एग्ज़ाम की कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं है इसको पास होने अगर इतनी तकलीफ हुई तो आखिरत का एग्ज़ाम कैसा बेटा याद रखना लिहाजा उसकी तैयारी ज़्यादा करना है इससे हमारे पास रहता बेटे तुमको अगला एग्ज़ाम बहुत बड़ा देना है तो अब तुम पाँच टाइम नमाज जा रहे ना तीन टाइम ही जाया करो जरूरी है अब रोजे भी रखना तुमने ये दो साल चुके टेंथ हो गया अलेवन ट्वेल्थ रोजे नहीं बेटे एग्ज़ाम में मसला हो जाएगा अब तो